Bismillahirrahmanirrahim. So students, in this lecture we will discuss about quantifiers. Quantifiers सुन के आप लोगों के जहन में डायरेक्ट यही आता होगा कि why do we care about quantifiers? Why study we quantifiers in discrete mathematics? Students, you know that many things in this course and beyond this course are specified using quantifiers. Quantifiers लगा कि हम उनको limited करते हैं students. आप अभी तो क्वांटिफायर्स हम स्टडी करेंगे, लेकिन क्वांटिफायर्स नोट रखें, क्वांटिफायर्स हम चीज़ों को लिमिटेड रखने के लिए, इनको बाउंडेड यानी बाउंडेड नहीं कह सकते, हम लिमिट चीज़ों को जो है ना स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. इन सम केसेस इट इज़ मोर एक्यूरेट वे टू डिस्क्राइब थिंग्स देन बोलियन प्रोपोजिशन. बोलियन प्रोपोजिशन से ज़्यादा हमारे पास क्या हुआ, ये जो है ना क्वांटिफायर्स एक चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए ईजी चीज़ है. सो स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिफायर इज A quantifier is an operator that limits the variables of a proposition. किसी भी proposition के variables को limit करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं students, कहते हैं students quantifiers. ये एक operator है. ये two types के होते हैं students. एक होता है universal quantifiers, एक होता है existential quantifiers. सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टूडेंट्स हम जनरली मैथ्स के अंदर ये सेंटेंस में लिखते रहते हैं, रिप्रेजेंट बाई एन अपसाइड डाउन लेटर ए. एक अभी ये मैंने ए लिखा हुआ, इसको अपसाइड डाउन को हम क्या कहेंगे, जिस तरह ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज क्वांटिफायर्स. सो क्वांटिफायर्स, बट इट इज़ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स बिकॉज इट्स मीन फॉर ऑल. लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स, इज इट ट्रू फॉर ऑल एक्स? अगर मैं पूछूँ, बट हमें ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक्स किस डोमेन से बिलोंग करता है, किस यानी सेट से बिलोंग करता है, तो ये भी पता होना चाहिए. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स. फॉर ऑल एक्स अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो यहाँ पे रियल नंबर एक्स रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए. अगर ये एक्स पर जो भी नंबर्स मैं पुट कर दूँ वो सारे इस एक्स से ग्रेटर होगा रियल नंबर्स के अंदर, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल होगा. तो फिर हम जो फॉर ऑल एक्स यूज़ करें उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स कहते हैं. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, वी कैन स्टेट द फॉलोइंग फॉर ऑल एक्स पी एक्स. जो फॉर ऑल एक्स है इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. इंग्लिश ट्रांसलेशन इसको हम कहेंगे फॉर ऑल एक्स ऑफ पी एक्स, पी एक्स इज ट्रू ऊपर वाला. और इंग्लिश दूसरा हमारे पास क्या है, जो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन एक्स इज ट्रू. अगर ट्रू है तो फिर हम ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, रियल नंबर्स के अंदर स्टूडेंट्स. इसी तरह से यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को जो है ना हम मजीद डिस्कस करें तो क्या होगा स्टूडेंट, लेट एक्स इज इक्वल टू इज द करेक्टर ए, और जो इज ए प्लस वन इज ग्रेटर देन ए, क्या ये जो है ना ग्रेटर है, हम ये चेक करें. और अगर दूसरा क्या है, लेट एक्स इज द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, सो इज वर्जीनिया प्लस वन ग्रेटर देन वर्जीनिया, क्या ये भी ट्रू है. यानी नोट रखें, ये हम फॉर ऑल वैल्यूज को डिस्कस कर रहे हैं. तो यानी यू नीड टू स्पेसिफाई योर यूनिवर्स, सो व्हाट वैल्यूज एक्स कैन रिप्रेजेंट, एक्स के लिए एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, तो उसको हम इस उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो है ना, जो स्पेसिफिकेशन के लिए एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करना ज़रूरी है. कॉल द इसको हम जो टेक्स्ट बुक के अंदर इसको डोमेन और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहा हुआ है. सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स स्टूडेंट्स, हम लेट द यूनिवर्सल यूनिवर्स बी रियल द रियल नंबर्स, हमें ज़रूरी है यूनिवर्स डिफाइन करना. तो यूनिवर्स मीन डोमेन, यानी पहले हमने डिस्कस किया हुआ कि इसमें यूनिवर्स मीन अब यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं या इसको आप डोमेन कहते हैं, डोमेन्स का फाइन होना ज़रूरी है. सो लेट द यूनिवर्स बी द रियल नंबर, अब हम रियल नंबर इसको यूनिवर्स को लेट करके रखें तो फिर क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो हमने पहले डिस्कस किया था वो स्टेटमेंट क्या हुआ, सो लेट पी एक्स इज इक्वल टू x ओवर टू लेस देन x. स्टूडेंट्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? अब हमारा यूनिवर्स हमारे पास मौजूद है, डोमेन हमारे पास मौजूद है, डोमेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर है. तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर टू लेस देन x. यू नो दैट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये प्रेडिकेट है. इस प्रेडिकेट को अगर मैं प्रोपोजिशनल फंक्शन से डिनोट कर दूँ तो फिर उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद हम फॉर ऑल x या और इसके करने से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये क्वांटिफायर्स बन जाएंगे. यानी प्रपोज जो प्रेडिकेट्स के अंदर फॉर ऑल एक्स लगा दें तो फिर यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. तो ये जो है ना फॉल्स स्टूडेंट्स, अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दूं तो फिर ये जो है ना वैल्यू ट्रू नहीं आएगा. इस तरह से ये आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर्स लिया हुआ है.
In order to prove that a universal quantifier is true, it must be shown for all cases. नोट रखें स्टूडेंट्स, अगर ट्रू करना हो तो तमाम केसेस के लिए ट्रू होना चाहिए, अगर फॉल्स करनी हो तो किसी एक चीज़ के लिए फॉल्स हो गया तो दैट इज़ इनफ फॉर अस, अगर कोई एक चीज़ फॉल्स हो गया तो वो जो है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। यूनिवर्सल क्वान्टिफायर्स में जो है ना गिवन सम प्रोपोर्शनल फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स इन इन द यूनिवर्स एक्स वन टू एक्स एन द यूनिवर्स क्वान्टिफिकेशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज आपके पास पी एक्स वन भी ट्रू हो एंड पी एक्स टू भी हो एंड अप टू पी एक्स एन। आपको पता है एंड में कोई एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स तमाम के तमाम को ट्रू होना जरूरी है, दैट इज यूनिवर्सल क्वान्टिफिकेशन। सो यूनिवर्सल क्वान्टिफिकेशन हम स्टूडेंट्स फॉर लूप के अंदर भी यूज़ करते हैं, थिंक फॉर ऑल एज ए फॉर लूप। सो फॉर लूप के अंदर फॉर ऑल एक्स पी एक्स वी आर वन वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन वन सॉरी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन लेस देन और इक्वल टू टेन है हमारे पास यहाँ पे, जो एक्स की वैल्यू है वो वन से ग्रेटर है या वन के इक्वल है, टेन से लेस देन या टेन के इक्वल है। सो इसको हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर लूप के अंदर एक्स इज इक्वल टू वन एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन एंड जो ना हम लूप चला रहे हैं इज एफ पी एक्स ट्रू, क्या ये ट्रू है स्टूडेंट्स। सो इफ़ पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉर लूप देन फॉर ऑल एक्स पी एक्स हमारे पास क्या होगा, अगर पी एक्स ट्रू है तमाम लूप के लिए तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स लिखेंगे। कंसिक्वेंटली इफ पी एक्स इज फॉल्स, अगर फॉल्स है तो फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ द लूप फॉर लूप देन फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज फॉल्स, अगर कोई एक भी इसमें किसी एक लूप के लिए फॉल्स हो गया तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तमाम जो है ना ये वैल्यूज़ के लिए फॉल्स हो जाएगी। अगर कोई तमाम की तमाम लूप में ये ट्रू हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एग्जांपल। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा, थैंक यू वेरी मच।